स्वागत है आप सभी का हमारा चैनल में। दोस्तों मैं हूं विकास कुमार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक शॉप कैसे लगाएं इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो के लास्ट तक सर स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे चैनल में। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ। मैं धनंजय इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोप्राइटर हूँ जी। और कहाँ पे स्थित है ये? भगवानपुर में स्थित है। मार्केट का नाम है राघवा मार्केट, स्टेशन रोड भगवानपुर वैशाली। सर ये बिजनेस अगर इलेक्ट्रॉनिक का कोई अगर दुकान करना चाहे तो सबसे पहले कितना इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगा? मिनिमम 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट चाहिए इसमें। कौन कौन सा सामान जरूरी है इसमें, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। इसमें आयरन हो गया, बल्ब हो गया, LED बल्ब हो गया, उसके बाद LED हो गया, TV, उसके बाद वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, आयरन हो गया, कूलर हो गया, होम थिएटर हो गया, होम अप्लायंसेस में जो भी है गीजर हो गया, मिक्सर हो गया, ये सब चाहिए। 5 लाख के अंदर में सर ये सब सारा चीज़ मतलब अवेलेबल हो जाएगा? हाँ 5 लाख रुपये में हो जाएगा इतना सारा चीज़। फ्रिज के लिए कितना इन्वेस्टमेंट अगर करना होगा, अगर कोई बंदा चाहे कि फ्रिज भी हम रखें, सब चीज़ आइटम रखें, तो उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना? फ्रिज में मिनिमम आपको 2.5 लाख रुपया चाहिए, और उसके बाद जो भी आइटम बचा वो 2.5 लाख में हो जाएगा। अच्छा लाइसेंस वगैरह भी कुछ है क्या इसका प्रोसेस? हाँ, इसमें GST लेना पड़ता है आपको। अच्छा सर अगर कोई आइटम के बारे में बताइए, थोड़ा सा दिखाइए हम लोग हमारे दर्शकों को। ठीक है, ये दिखा। ये LG का फ्रिज हुआ, 2 स्टार में है आपका, 175 लीटर में है। अच्छा इसका कितना प्राइस पड़ेगा? इसका प्राइस जाएगा 14,100 रुपया। अच्छा और ये 3 स्टार में, जितना स्टार बढ़ेगा उतना बिजली बिल तो कम खाएगा। अच्छा ठीक है, जैसे ये आपका 2 स्टार हो गया, 3 स्टार है, ये 4 स्टार है, तो 2 स्टार आपका बिजली खाएगा 197 यूनिट खाएगा पूरे साल का जी। और ये खाएगा आपका 164 यूनिट, तो यानी कि 2 स्टार है, 2 स्टार हो गया, और ये 3 स्टार है। जैसे जैसे रैकिंग बढ़ेगा स्टार का वो बिजली कम खाएगा। ये आपका 4 स्टार हो गया, 164 यूनिट ही बिजली खाएगा। अच्छा आपका ये लेटेस्ट मॉडल अभी आया है, ठीक है ये LG कंपनी का है। इसका कितना प्राइस होगा? इसका प्राइस है 16,300 रुपया। अगर कोई बंदा खरीदने के लिए अगर चाहता है, मान लीजिए कि दुकान जो करना चाहता है नए, उसको कितना में मिलेगा? उसको सस्ता हो जाएगा, इसको रेट उसमें कंसेशन हो जाएगा, मोटा मोटी 15,000 के आसपास आ जाएगा। अच्छा तो इतना प्रॉफिट आएगा 2,000 के आसपास? 2,000 के आसपास आ जाता है। अच्छा और इधर हायर का है? अच्छा हायर में 4 स्टार में है, बहुत सुंदर लुक में है। और ये देखिए, और 195 लीटर में है आपका, 195 लीटर है, और पूरे साल का ये मात्र 128 यूनिट बिजली ही खाएगी। इसका प्राइस मोटा मोटी आपको आ जाएगा 17,100 रुपया। अच्छा और बताइएगा आगे। और सबसे बेहतरीन लुक में आपको आया है ये सैमसंग का 4 स्टार, ये 131 यूनिट ही बिजली खाएगी, ये 198 लीटर का है। अच्छा इसका प्राइस कितना पड़ेगा सर, अगर कोई इसका नया बंदा अगर दुकान करता है? इसका दुकानदार यदि लेगा तो वही 16,200-16,300 के आसपास आ जाएगा। अच्छा बल्ब बल्ब के आइटम में थोड़ा सा बताइएगा। ये आपका 18 वाट हो गया, 9 वाट बल्ब हो गया, और ये नाइट बल्ब भी मेरे पास है, और चार्जिंग लाइट भी है, जो लाइन कटने के बाद इनका बैकअप होगा 3 से 4 घंटा। अच्छा ये 380 रुपया में मिल जाएंगे आपको। अच्छा उसके बाद 5 स्टार यहाँ फ्रिज है, ये मात्र 1 साल में 104 यूनिट ही बिजली खाएंगे। अच्छा तो सबसे बेहतरीन लुक में फ्रिज है, सैमसंग का है। सैमसंग का है ये, और शादी ब्याह के मौके पर बहुत सारा लोग ले गए यहाँ से, बहुत सुंदर है। सर LED के आइटम में बताइएगा थोड़ा सा कि कितना इन्वेस्टमेंट है LED में, और कितना उसमें प्रॉफिट है इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। LED में इन्वेस्टमेंट होगा आपको मिनिमम 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना होगा, ठीक है। LED में हालांकि बचत बहुत कम है जी, ठीक है, लेकिन ये रनिंग आइटम है, फर्क तो नहीं पड़ता है जी। एक LED में आराम से 1,000 रुपया तक बच जाएगा आपको जी, ठीक है। जैसे ये LED हो गया आपका YC का, बहुत अच्छा फीचर्स में है,
आपका माइक्रोमैक्स हो गया, पानासोनी हो गया, ये सब IPS पैनल में। IPS पैनल का मतलब है कि हल्का फुल्का इसको लग भी जाए तो कुछ नहीं होगा। वारंटी के बारे में बताइए थोड़ा सा कि वारंटी कितने दिन का, अगर वारंटी 1 साल का रहता है जी। कुछ कंपनियां हैं जो कि 3 साल है जी, और जो भी ब्रांड है वो सब 1 साल है, जैसे सैमसंग हो गया, LG हो गया, ये सब 1 साल ही है। और नया में लॉन्च किया अभी YC है, और उसके बाद हो गया माइक्रोमैक्स है, तो ये सब 2 साल दे रही है कंपनियां, लेकिन जो भी ब्रांड है 1 साल ही है। वॉशिंग मशीन के बारे में थोड़ा सा बताइए इधर। ये हमारे फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ये है आपका 6 kg। अच्छा, कपड़ा का वेट है कोई 6.5 kg इसका वेट है, ठीक है। आपको मिनिमम इसका प्राइस आ जाएगा 16,300 रुपये, ठीक है। और दुकानदार जो लोग लेंगे उनको थोड़ा सा कम पड़ेगा ना जी। ये ऑटोमेटिक हो गया फुल्ली, सेमी ऑटोमेटिक इधर, ठीक है। इसमें इसमें धुआ भी जाएगा और इसमें भी सूख ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हो गया सेमी में, देखिए सर सेमी में हो गया कि इसमें धुआ जाएगा और इसमें सूखने के लिए रखना होगा इधर, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा बात सूख भी धुआ भी जाएगा और सूख भी जाएगा, सारा काम ऑटोमेटिक होगा। इसमें पानी भी अपने से लेगा, धुआ भी जाएगा, सूख भी जाएगा। अच्छा, और इसके बाद हो गया इधर आयरन हो गया आपका, और ये अब सबसे इम्पोर्टेंट तो अभी ये है, इसलिए कि ठंडा का सीजन है चाहे गर्मी हो, इंसान को पानी पीना चाहिए थोड़ा सा सुसुम जी, कोई भी बीमारी ना हो। अच्छा, गला भी अच्छा रहे। और ये हीटिंग आइटम है, ठंडे का समय भी हीटिंग आइटम चाहिए लोगों को, तो यहाँ मैक्स स्टार मिल जाएगा, महाराजा मिल जाएगा, और बजाज का हीटर मिल जाएगा। इसका कितना प्राइस होगा? इसका प्राइस 1600 कुछ रुपया पड़ता है, 1660 या 1670। बैटरी आइटम में सर थोड़ा सा बताइएगा हमें। ये हमारे यहाँ लूमिनस का बैटरी मिल जाएगा, माइक्रोटेक मिल जाएगा, एक्साइड भी मिल जाएगा। अच्छा, ये माइक्रोटेक का मेरा बैटरी है जी, सामने रख लो उधर, एक्साइड भी मिल जाएगा आपको बैटरी। कितना एमएच आपका हो गया? 180 mAh है, 110 है, 160 है, और 220 है। अच्छा, जो जैसे कि हो गया कि आपको ज़्यादा लोड है 220 mAh लगाइए बैटरी, कम लोड है तो 150 mAh हो गया, सफाई कम है, 2 पंखा चलाना ही है, 110 mAh भी आपका काम चल सकता है। हालांकि लाइन तो कटता बहुत कम है, लेकिन 150 मिनिमम हो गया, जैसे 4-5 पंखा चलाना है तो 220 चाहिए ही चाहिए जी। और आपका ये गीजर हो गया जो अभी ठंडा के समय में लोगों को बहुत ज़रूरी है, प्यूरीफाई हो गया तो RU है ये। और हीटिंग आइटम के आइटम में थोड़ा सा बताइएगा कि पंखा में कौन कौन से कंपनी का है, और कितना लगता है उसमें, कितना खरीदारी रेट पड़ता है, और कितना मुनाफा हमारे दर्शकों को होगा। सबसे बेटर पंखा है पॉलीकैप का जी, जो अभी का रेट तो 1100 कुछ था जी, 1180 रुपये के आसपास था, लेकिन रेट इन्हें बहुत बढ़ा है जी का रेट। और उसके बाद हो गया पॉलीकैप हो गया, पोलर हो गया, पोलर का एक मॉडल आता है, जोडिक्स आता है, और मेगामाइट आता है जी। सबसे बढ़िया मॉडल है मेगामाइट और जोडिक्स है, तो मेगामाइट बहुत सेल है मार्केट में जी। और उसके बाद हो गया तूफान हो गया, तूफान तो थोड़ा सा लोग नहीं लेना पसंद करते हैं, इसलिए कि इसमें डी बहुत आ गया है जी। अब तो खैर बेचते ही नहीं है, अब पिछले बार हमने बेचा था मोटा मोटी 300-400 के आसपास पंखा हमने बेचा था जी, कंप्लेन तो नहीं आया था, लेकिन बीच में सुनने में आया कि इसमें डुप्लीकेट भी आ गया है, इस वजह से हमने बंद कर दिया पंखा जी। और हमने पॉलीकैप, कूलर, और उसके बाद हो गया RR केबल का हम पंखा बेच रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है हमको पॉलीकैप का जी। अभी तक हम 2 साल से 3 साल से हमने है अभी, लेकिन खूब बेचे होंगे तो 1500 से ऊपर पंखा बेच दिया पॉलीकैप का, एक भी कंप्लेन नहीं मिला है। और सबसे हेवी में है, 400 RPM का पंखा है ये। बहुत क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी अगर नया इलेक्ट्रॉनिक का दुकान अगर करना चाहे कोई नया बंदा? तो दुकानदारी करना तो आम बात है, सब चलेगा, लेकिन सबसे पहले इसमें सर्विस जी, सर्विस जिस कंपनी का बढ़िया हो उसी का सामान बेचिए आप, उधार से वंचित रहिए, उधार तो किसी को मत दीजिए, उधार जैसे ही दीजिएगा ना आपका बैकग्राउंड नहीं मजबूत रहेगा तो आप डूब जाएगा, बिजनेस आपका डूब जाएगा जी। उधार हाँ 2-400 है तो दे सकते हैं, जैसे हेवी अमाउंट में है तो उधार आप मत दीजिए, बिजनेस रन नहीं करेगा जी। इतना सपोर्ट तो करेगी नहीं जल्दी ना जी, जब तक पुराना होगा नहीं तब तक बैंक सपोर्ट करेगी नहीं जी, इस हिसाब से उधार बंद कीजिए, ठीक है। और कैश टू कैश काम कीजिए, आपको प्रॉफिट तो थोड़ा कम आएगा शुरू में, ठीक है, लेकिन अच्छा रहेगा। बैंक का क्या प्रोसेस है अगर कोई बंदा चाहे दुकान करके लोन लेने के लिए, तो उसका क्या प्रोसेस है? उसका प्रोसेस है कि सबसे पहले आपको रेंट एग्रीमेंट चाहिए, बिजली बिल चाहिए, खाता खुलवाना होगा वहाँ, करेंट अकाउंट, उसके बाद अच्छा ट्रांजेक्शन रहा तो बैंक के विवेक पर निर्भर करता है कि आपको लोन देगी जी, बढ़िया ट्रांजेक्शन रहा, बिहेव अच्छा रहा तो लोन कर देगी,
एक साल डेढ़ साल में कर देती है ब्रांच लोन, और पहले से वहाँ लेन देन होते रहे तो अच्छा बिहेव रहेगा, तो दो चार महीना में ही कर देगा ब्रांच लोन। जी सर, अगर कोई बंदा चाहे कि आपके यहाँ से ले जा कर के सामान अगर वो अपने यहाँ दुकान कर सकता है तो ऐसा संभव है? हाँ संभव है, बहुत सारा लोग हैं जो यहाँ से ले जाते हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं जी, यहाँ से ले जाते हैं, काम करते हैं। होलसेल रेट में आप देंगे यहाँ पर जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बताइए। होलसेल रेट में देते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो, जैसे छोटा छोटा दुकानदार हो गए, LED ले गए, TV ले गए, वाशिंग मशीन ले गए, कूलर ले गए, पंखा ले गए, हमको रेट टू रेट जो वहाँ से रेट रहेगा उनको जो मुनासिब लगता है वो हमको दे देते हैं और लेके चल जाते हैं, लेकिन कैश टू कैश वो भी लोग काम करते हैं, पैसे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब जो भी बंदा अगर नया करना चाहता है तो उसको मतलब कैश टू कैश ही ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं? हाँ, शुरू में थोड़ा सा दिक्कत है, दो चार बार आपको कैश टू कैश करना होगा, उसमें धीरे धीरे लिफ्ट देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।